अस्सलामुअलैकुम, मैं शेफ़ असलम, आप देख रहे हैं शेफ़ असलम यूट्यूब चैनल। तो हम आपके लिए एक बार फिर बहुत अच्छी रेसिपीज, यूनिक रेसिपीज लेके आए हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। नट्स हैं जिसके अंदर पिस्ताशो है, आलमंड है, ब्लैक करंट है, सिनेमन पाउडर है, तो ससमी है, पीनट है, रेजन है, हनी है, वॉलनट्स है, वाइट एग है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने 65 ग्राम आलमंड लिए इसके अंदर डाले और 60 ग्राम पिस्ताशो डाला इसके अंदर और 60 ग्राम हमने पीनट डाली, मूंगफली, और 100 ग्राम इसके अंदर कैशूनट डाला और 60 ग्राम अखरोट डाला। इसको हमने टोस्ट करना है फ्राई पैन के अंदर, हमने आपके सामने डाल दिए और स्पैचुले से आपने इसको हल्का हल्का टोस्ट करना है, जलाना नहीं, टोस्ट करना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार नट्स होते हैं, आपको पता है, आप खाते रहते हैं, आप लोग नट्स कितने मज़ेदार होते हैं। इनको लाइट सा टोस्ट करना है आप लोगों ने। इसके अंदर हमने आपके सामने आलमंड डाले हैं, कैशू नट डाला है, पीनट डाली है, अखरोट डाला है। तो आज की रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ेदार है। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। जो हमने ड्राई नट्स टोस्ट किए थे वो इसके अंदर डाल दिए। ये हम इसके अंदर हमने एक चिया सीड का टीस्पून डाला और 50 ग्राम इसके अंदर ससमी डाले, ये 25 ग्राम डेट है, खजूर, और 25 ग्राम इसके अंदर ब्लैक करंट है, और एक पिंच 2 ग्राम इसके अंदर हमने सिनेमन पाउडर डाला और 2 से 3 ग्राम सॉल्ट डाला। सॉल्ट आपको पता है टेस्ट बढ़ाता है। और एक वाइट एग डाली इसके अंदर, एक वाइट एग डाली हमने। सभी चीज़ें एक बाउल में डाल के मिक्स कर रहे हैं हम। तो रेसिपीज बहुत अच्छी है, आप लोगों को हम इंग्रेडिएंट्स भी बताते हैं, रेसिपी का तरीका भी सिखाते हैं। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ़ असलम के नाम से। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम इसके अंदर हनी ऐड कर रहे हैं, 50 ग्राम हमने इसके अंदर हनी डाला है, 3 टेबल स्पून है इसके अंदर हनी है, 3 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एंड पे हमने इसके अंदर 50 ग्राम हनी डाला है। रेसिपीज़ आप साथ साथ लिखते जाएं, रेसिपीज़ हमने आपको दिखाई भी है, लिखाई भी है, और तरीका भी हम प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमने इसको। सबसे पहले पैन लेना है, उसके अंदर नट्स डालने हैं, उनको लाइट सा टोस्ट करना है, और क्या क्या चीज़ें, और ये आलमंड फ्लेक्स मिलते हैं वो भी आपने इसके अंदर 20 ग्राम डालने हैं। जैसे कि हमने ये आलमंड के फ्लेक्स बनाए हुए हैं, आप नाइफ से पहले फाइन फ्लेक्स बना लें या बाज़ार से बने बने मिलते हैं। तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है शेफ़ असलम के नाम से। तो अगर आपके पास कोकोनट क्रश है तो 1 टेबलस्पून आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो रेसिपीज़ पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं नट्स के, तो चीज़ें लिख लिया करें, लिखी हुई चीज़ें रिकॉर्ड में चली जाती हैं। ये बहुत अच्छी और बहुत आला रेसिपी है। सीजनल सीज़न, जैसे विंटर का सीज़न चल रहा है, सर्दी का सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आपने एक कुकी कटर लेना है, नीचे बेकिंग शीट लगानी है, बेकिंग शीट लाजमी लगानी है ट्रे के अंदर, कुकी कटर रिंग लेना आपने, रिंग के अंदर आपने नट्स डालने हैं, और जैसे मैं स्पून के साथ इसको ऊपर से दबा रहा हूँ और प्रेस कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आप लोगों ने करना है। ये देखें आपका ये हेल्दी नट्स कुकी तैयार है, हेल्दी नट्स कुकी। ये देखें एक एक करके आपने इतना इतना इसके अंदर गैप रखना है, इतना इतनी स्पेस रखनी इसके अंदर, और ये गिन लें आप एक छोटी सी रेसिपी के हमने कितने कुकीज़ बनाए। तो ये बहुत इजी है, 150 पे हमने इसको 18 मिनट कुक करना है, 150 की हीट पे हमने इसको 18 मिनट बेक करना है,
और ये बहुत मज़ेदार सीज़न के साथ सर्दी के हिसाब से बहुत अच्छे कुकी हैं, हेल्दी नट्स कुकी। ये देखें कितने खूबसूरत, इनकी शाइन देखें, इनकी चमक देखें, कितने यमी कुकी बने हुए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को आगे शेयर किया करें, रेसिपीज़ को देखा करें। ये इल्मे फ़न का एक बहुत अच्छा स्टेशन है शेफ असलम यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए नए नए रेसिपीज़, केक डेकोरेशन, डिज़र्ट्स लेके आते रहते हैं और आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम। तो ये हेल्दी नट्स कुकी तैयार हैं, ये बहुत मज़ेदार है, मैं तो खा के भी दिखाऊंगा आपको। आप लोगों ने ये ट्राई करके बना के खाने हैं और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ये देखें कितने मज़ेदार, क्या बात है, यमी। तो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, हम आप लोगों के लिए नए नए केक डेकोरेशन डिज़र्ट्स लेके आते रहते हैं। ये एक हमने केक आप लोगों को दिखाने के लिए तैयार किया, देखेंगे शुगर लगी हुई, शुगर की एक हमने इसकी पट्टी तैयार की है और इसकी चमक देखें, इसकी शाइन देखें, इसकी लुक देखें कि कितना खूबसूरत केक है। और देखें हमने विद आउट सीजनल मैंगो फ्रूट लगाया, मैंगो आप लोगों को दिखाने के लिए, केक के लिए बेहतर के आप लोग सीखें इससे। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ असलम के नाम से, हम आपके लिए नए नए केक डेकोरेशन डिज़र्ट्स लेके आते रहते हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करिए किया करें, वीडियो देखा करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ असलम के नाम से, हम जल्द आपके लिए एक नई रेसिपीज लेके आएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ तावन करते हैं। यह आपका अपना यूट्यूब चैनल शेफ असलम के नाम से। हाँ जी जैन साहब।